मैं भी गया था तो ये हुआ। पांच मिनट का वक्त है और मुझे दोनों डॉक्टर से एक एक टिप्पणी लेनी है। मैं डॉक्टर अरविंद के पास आती हूँ कि डॉक्टर अरविंद अब आपको क्या लगता है, सरकार का ये जो एक एटीट्यूड है कि जबरन अब पॉलिटिकल यात्रा को ऐसा लग रहा है कि कोविड के बहाने से रुकवाया जा रहा है, सरकार के इस रवैये पर क्या कहेंगे? एज अ डॉक्टर हाउ डू यू ऑब्जर्व दिस? आप अनम्यूट कर लीजिएगा सर, डॉक्टर अरविंद अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, जहाँ तक मेरा समझ है, आज की तारीख में किसी भी इस तरह के कॉन्ग्रीगेशन को या पॉलिटिकल रोकना मुझे साइंटिफिकली तर्कसंगत नहीं लगता। पर अगर इसके बाद एक एडवाइजरी को इशू करता है, वो गवर्नमेंट का काम है और एडवाइजरी को फॉलो करना भी इंडिविजुअल का अपना एक अधिकार है। तो जो चाहते हैं, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ इस पूरे पैंडेमिक के दौरान हमें ज़्यादा ध्यान फोकस्ड प्रोटेक्शन के ऊपर देना चाहिए था। यानी कि जो लोग एक्चुअली, जैसे कि बताया आपने, शैलेश साहब ने भी बताया कि जो लोग कोमॉर्बिड हैं, ओबीज हैं, एल्डरली हैं, ऐसे लोगों को ऐसी जगहों से बचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनको खतरा ज़्यादा है बीमार पड़ने का और मरने का। लेकिन बाकी हेल्दी एडल्ट्स जनरली इस बीमारी से कोई भी उनका ज़्यादा नुकसान नहीं होता है और हमको पता है कि इसका जो है सर्वाइवल बहुत अच्छा है। जैसे बाकी फ्लूज में होता वैसे ही इसमें भी कोई अलग नहीं है और हमने शायद इससे कहीं ज्यादा गंभीर program. As I said, at this moment, there's nothing like a strict implication of rules or anything like that. Obviously, you should be allowed to take care for yourself and fend for yourself. But yes, the advisory that you're talking about, that the people coming from affected countries and all that should be screened well, I would agree with that. कि उसका स्क्रीनिंग होना चाहिए, because the first wave, when it happened and we allowed everybody to come in and the infection to spread, then we'll not be in a good situation. Precaution is always better than cure. मतलब advisory regarding screening of people coming from affected countries, I would totally agree with that if that is the advisory coming from the government. But yes, I mean, no mask precautionary measures. Yes, as I said, mask पहनने वाली बात है वो आप हम लोग हमेशा पहन सकते हैं. Not really, it has to really not come from the government. ये तो अपने अंदर से आनी चाहिए बात. And there's nothing to panic right now. But we need to really observe for the next 15 days to 1 month as to what is happening in the entire world and in our country. Okay, तो आपने दोनों डॉक्टर्स को सुना और हमारे साथ जो राजनीतिक विशेषज्ञ शैलेश जी हैं उनको भी आपने सुना, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार की क्या नियत है. अगर इस तरीके की चिट्ठी राहुल गांधी को, अशोक गहलोत को लिखी जा रही है कि आप भारत जोड़ो यात्रा को रद्द कर दीजिए, इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा. शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल. थैंक यू सो मच डॉक्टर चैटर्जी, डॉक्टर अरविंद, शैलेश जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग.